सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। काली बोली हनेरी रात मी चखर चारों तरफ जुल्म कलयुग दियां चपेड़ा खा खा के जदो इंसान नु कोई रस्ता नहीं लभ्या इंसान डोलन लगा सच्चाई और परम पिता परमेश्वर नु भुलन लगा ता अकाल पुरख ने इंसान नु सिमरन और सेवा दा सही रास्ता दिखान लई धरती ते एक प्रकाश की लहर भेजी वो प्रकाश है अजी सा दर्द पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ब्रह्म ज्ञानी परम पूजनीय सतगुरु महाराज बाबा अजीत सिंह जी चकर जिन्हों का शुभ आगमन 27 अक्टूबर 1919 पिंड कोट ग्रेवाल जिला जलंधर पंजाब विच होया। बाबा अजीत सिंह महाराज जी के पिता जी का नाम सरदार साहब गोपाल सिंह जी और माता जी का नाम बीबी गुरदेई जी है। यह है कोट पिंड की धरती कोट ग्रेवाल। इस धरती से ही महाराज जी ने अवतार लिया। यह है वो कमरा जिथे महाराज जी ने जन्म लिया। यह है वो खेत यह है वो पिंड यह है वो गलियां जिहड़ियां अज पवित्र हो गई। हर साल दिल्ली तो आके संगत महाराज जी की याद विच उन्होंने पवित्र जन्म स्थान ते श्री अखंड पाठ साहब जी दियां लड़ियां चलांदे ने ते दिल्ली तो आई संगत और कोट पिंड दी संगत मिलके अखंड पाठ साहब दे विच हिस्सा लैंदे ने। पूरे पिंड विच लंगर दी सेवा हुंदी है। बाबा जी दे महल यानी उन्हां दी पत्नी बीबी महेंद्र कौर जी सर जिन्हां ने संगत बड़े प्यार और सत्कार दे नाल माता जी कह के पुकारदे सी। ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी अपनी सारी उम्र संसारी कर्म निभांदे हुए भी एक सच्चे फकीर दी तरह दर आए हर दीन दुखी दी तन मन धन नाल दिन रात सेवा करदे रहे। बाबा जी बहुत पढ़े लिखे सूझवान
और असूलां दे पक्के सी। 2 जनवरी 1947 तो लैके 28 फरवरी 1979 तक रिजर्व बैंक विच नौकरी कीती। रिटायर होने तो पहले बाबा जी महाराज रिजर्व बैंक विच करंसी अफसर दी पोस्ट ते रहे। सरकारी नौकरी करदे होए भी नाल नाल संगतां दी सेवा विच भी जुटे रहे। बाबा जी महाराज दा जीवन एक इलाही योगी दा जीवन सी, जिस दी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। 1952 दे विच बाबा जी महाराज जी ने सिर्फ 7 साथियां दे नाल मिलके दुखियां दे दुख दूर करन लई बाबा वडपाक सिंह जी दी आज्ञा अनुसार अजीत दरबार दी स्थापना कीती। मकसद सिर्फ दीन दुखियां दी सेवा और गुरु नानक साहब जी दे नाम दा सिमरन संगतां नूं करवाना सी। इस तपदे होए संसार नूं नाम दे नाल जोड़ना, यही उन्हां दा मकसद सी। बाबा जी दे पुरखे मैड़ी वाले बाबा बाबा वडपाक सिंह जी दे सेवादार सी। सो बाबा जी महाराज जी दा जुड़ाव भी बाबा वडपाक सिंह जी वल वधेरे ही सी। निष्काम सेवा दा बीड़ा चुक के मां गुरदेई दे लाल ने दिल्ली जमुना पार ईस्ट आजाद नगर नूं अपनी कर्म स्थली बनाया और इत्थे निशान साहब जी दी स्थापना कीती। बाबा जी महाराज अपनी मधुर वाणी नाल वचन करदे सी और वो वचन हमेशा पूर्ण होंदे सी। इस दरबार दा एक बहुत देर तो एक आदर्श भी है पर अकाल पुरख दे हुकम भी है। शायद तुहानू नहीं पता कि मैं रात नूं भी 2-3 दिन दफा उठ के अपना सिमरन पता नहीं किस प्रकार पूरा कर रहा। दिन के समय मैं बहुत दफा तुहानू बेनती करता कि साथ संग जीओ, मैंने मत्था ना टेको और मेरे इर्द गिर्द चो ना पाओगी। क्यों? जो मेरा आदर्श है उस वच बड़ी ठेस लगती है। तुहाडे साहब दे नाल मेरे लिए जिहड़ी असाइनमेंट है तद ही अकॉम्पलिश हो सकती है जो तुम मेरे सहयोग दोगे। मतलब नहीं देखोगे और दोष कर करके लग जाओ और जो परिवार के वचन हो वो तुम को ही सिमरन करना है। कल उठने का कमी कोई नहीं है लेकिन एक आदर सुनना भी बनता है। यह संसार जहां व्यवहार आजकल संसार में चल रहा है उथल पुथल हो रही है, इसने बहुत दिन नहीं देखा। केवल समय तब्दील होना है और इस प्रकार का वातावरण बन जाना है कि इंडिया के बीच विशेष करके जो रिलीजियस डिवाइन जो प्रगति है इसका असर ज्यादा हो जाएगा और हर एक व्यापार के बीच एक पहल जगह लग जाएगा कि इसके बगैर सारी कल्याण नहीं।
और इस बारे अपने दरबार के विच कई साधा दोस्ती जोर ला रहे हैं कि जिन्हें सिमरन तुम कर रहे आठ साल संगत जी सिमरन में बुला लो संसार के कमरे होंगे ही रहते हैं लेकिन संसार का फलन मंगण वेले जब तक सारे समर्था नहीं है तो भला किमें हो सकता है। इस समर्था जी है मैं आस रखागा कि तुम मैं सहयोग दोगे और एक कहकर सिमरन तुम जरा ऐसी काल लोगे हो आलस कर जाते हो और हूं नहीं डालोगे और ना ही आलस करो बड़े ध्यान के नाल बड़े प्यार के नाल सत्कार के नाल असी जुड़ के सारे संसार वास्ते दुआ करनी है बेनतियां करनी है महाराज के चरणों में जोगनियां करनी है। ये तो थोड़ा कली प्रकार दिया ठीक याद होगी तो होगा भी नहीं है तो मैं याद बस करवा ही देव कि संसार जो है यह मैं अधे तो ज्यादा घटता लगता है तो जे असी करवाई नहीं कर दे देंगे सिमरन कर देंगे महाराज के चरणों में बेनती कर देंगे शायद समस्या होता है। इस समय के बीच जो भी कुछ हो रहा है उसके काबू केवल एक सिमरन नाल ही हो सकता है पर यह काल अपना रंग भी है यह भी फुलो ना यह उन्होंने रंग भी है क्यों संसार के बीच दुनिया गर्म तो रहत मच कोई पैर नहीं है जो पैर नहीं है तो हर किस्म के काम करते हो तुम कहानियां पढ़ते हो अखबार पढ़ते हो लिख के सिलसिला चल रहा है तो तुम कंट्रीब्यूट करोगे महाराज के हुक्म भी हैं कि अपने वालों भी कुछ जोर लगाओगे जिस आप सारे अजीब दरबार के रल के संसार की खरीयत वास्ते बेनतियां करिए सिमरन करके सिमरन अगर कुछ सारे को अपने संसार को यार और जिंदगी जी दवाण वास्ते जी एक अंत कथा करी करते हैं यह थोड़े को नहीं जाना नहीं करना सबसे जिनी देर तक थोड़ा प्यार इस तो दूर नहीं होगा तो सिमरन भी नहीं कर सकते कुछ त्याग करो और कुछ अपने आप को ऐसी ऐसी व्यवस्था ले लो जिसे कि थोड़ा ध्यान महाराज के चरणों में झुकदा रहे। जब उन्होंने वचन करने तो इंज प्रतीत हुंदा सी जिवें अकाल पुरख आप आके संगता विच विराजमान हो गए हन। संगता नु नाम सिमरन नाल जोड़ के सही मार्ग दिखा रहे हन और मनुखी जीवन नु अकाल पुरख दे दसे राह ते चलन दी शिक्षा दे रहे हन। बाबा जी दे प्यारे वचन अज भी संगता ने नाम जपन का सही तरीका और गुरु मर्यादा ते चलन का प्रेरणा स्रोत हैं। धन हो गई धरती जिथे बाबा जी महाराज जी दे चरण पे धन है मां गुरदई का लाल जिन्हें दिल्ली आके सेवा और सिमरन का प्रवाह चलाया जो अज तक चल रहा है और जुगो जुग चलता रहेगा। गुरु बाबा वडपाक सिंह जी की बख्शिश और श्री गुरु नानक देव जी की अपार मेहर का सदका बाबा अजीत सिंह जी महाराज ने अपने दर आए हर दीनहीन गरीब अमीर छोटे वड्डे विच कदी फर्क नहीं रखिया। चंगे कपड़े पाए हों या माड़े
ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮੈੜੀ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ।
पुकारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा शुक्र गुजारा बाबा अजीत सिंह जी महाराज बाबा वनपाल सिंह जी और श्री गुरु नानक देव जी की कीर्ति पूरे हिंदुस्तान और विदेशों में फैला दी। जेड़ा बूटा बाबा जी महाराज जी ने 1952 विच लगाया सी आज एक मजबूत पेड़ बन चुका है। आज अजीत दरबार का हेड ऑफिस ईस्ट आजाद नगर दिल्ली विच स्थापित है और शाखावां कानपुर धनबाद रांची गुवाहाटी लुधियाना मैड़ी अमेरिका इंग्लैंड थाईलैंड और कई जगह देश विदेश विच फैलियां हैं। लगभग 52 साल तो देश विदेश विच वसी अजीत दरबार की संगत होली मेले ते बाबा वडपाक सिंह जी दे दर्शनां नूं दिल्ली आदियां फिर दिल्ली तो इकट्ठे होके मैड़ी बाबा वडपाक सिंह जी दे दर जांदियां उत्थे जाके बाबा वडपाक सिंह जी दे दर्शनां नूं आई संगत दे वास्ते लंगर लगांदियां। बाबा जी महाराज जी ने कदी भी अपना नाम जपन की इजाजत नहीं दिती। अगर कदी प्यार विच किसी ने आके तन अजीत कहन की कोशिश की भी ते बाबा जी ने उसी वक्त रोक देना ते बड़े प्यार नाल कहना प्यारी संगत मैं ते तुहाडा सेवादार हाँ मैं ते गुरु नानक साहब जी और बाबा वडपाक सिंह जी दे कहन ते तुहाडी सेवा करन आया हाँ मेरा नहीं गुरु नानक साहब दा नाम जपो जपो तन गुरु नानक
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਲਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਗੇ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। ਇਹੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਣਗੇ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈੜੀ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਲੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ 5 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਅਨਮੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਡੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜੈ ਬਾਬੇ ਜੀ, ਜੈ ਬਾਬੇ ਜੀ, ਜੈ ਬਾਬੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰੀ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਆਸ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਦੂਰ ਕਰੀ।
दे नल देवा झाड़ू राज कौर दे हीरे हरदम तेरी करा चाकरी ओ पानी दे वीरे हरदम तेरी करा चाकरी ओ पानी दे वीरे तेनू पूजन वाले बाबा सुभाषाम बतेरे तेनू पूजन वाले बाबा सुभाषाम बतेरे मैं तेरे आवास करके बाबा दूर करी दुख मेरे मैं तेरे आवास करके बाबा दूर करी दुख मेरे मैं तेरे आवास करके सच झूठ दा कर देना है पल्ला विच नतारा कलयुग दे विच दुखियां दा तू ही एक सहारा सच झूठ दा कर देना है पल्ला विच नतारा दुख दलिद्र दूर होणगे सब दे शाम सवेरे दुख दलिद्र दूर होणगे सब दे शाम सवेरे मैं तेरे आवास करके बाबा दूर करी दुख मेरे मैं तेरे आवास करके बाबा दूर करी दुख मेरे मैं तेरे आवास करके मैडी जिला ऊना हिमाचल प्रदेश 1991 में बाबा जी महाराज ने विशाल लंगर स्थान और सराय दी उसारी कीती संगतां दे आराम संगतां दी सुख सुविधा दा ध्यान उन्हां दे दुख दर्द तकलीफां परेशानियां नूं दूर करन लई बाबा जी हर वेले तैयार रहिंदे सी 1995 विच दिल्ली दरबार दी विशाल इमारत बनाई फिर सितंबर 2003 विच एक होर सराय महिंदर अजीत कॉम्पलैक्स का नींव पत्थर रखिया ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 3 December 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੁਆਰੇ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ सिंह जी इत्थे आउंदा जग तारा है बाबा जीत सिंह जी इत्थे आउंदा जग सारा है तेरी शान निराई
जग दे दुखियां दा एक तू ही वाली है। जग दे दुखियां दा एक तू ही वाली है। संगतां दे तारन लई फड़ ले आए फकीरी नू। संगतां दे तारन लई फड़ ले आए फकीरी नू। संगतां तो आड़ियां ने तुसी संगतां दे प्यारे हो। संगतां तो आड़ियां ने तुसी संगतां दे प्यारे हो। तेरे चोज निराले ने, तेरे चोज निराले ने, जेड़े तेरे दर ते आए ओ पागा वाले ने। जेड़े तेरे दर ते आए ओ पागा वाले ने। साड़ी आस पुजा देना, साड़ी आस पुजा देना, तेरा दर छड़िए ना सानू सेवा विच ला लेना। तेरा दर छड़िए ना सानू सेवा विच ला लेना। असी तेरे दर आए बाबा जी, असी तेरे दर आए बाबा जी, किवें असी भूल जाइए साड़ी जिंदगी बनाई बाबा जी। किवें असी भूल जाइए साड़ी जिंदगी बनाई बाबा जी। तेरे मिठे मिठे लग देने बोल, तेरे मिठे मिठे लग देने बोल, मेरा वाले मेरे दातिया सदा रखी चरना देखो। मेरा वाले मेरे दातिया सदा रखी चरना देखो।
जिस तरह बदल आंदे ने बरसात करके अगे चले जाते ने किसी नाल भेद नहीं करते ना धर्म का ना जात का ना दिन का ना रात का मीह वरसा के धरती की प्यास बुझा के अगे वध जाते ने दूजी धरती नूं तारन लई दूजी धरती की प्यास बुझाण लई इस ही तरह परम पूजनीय बाबा जी गुरु नानक साहब जी दे मिशन नूं अगे वधाण लई बाबा वडभाग सिंह जी दे हुक्मां दा पालन करदे प्यासियां तड़पदियां रूहां दी प्यास बुझा के अकाल पुरख ते बनाए नियमां दा पालन करदे होए अकाल पुरख दे चरणां विच 27 मई 2005 ब्रह्मलीन हो गए। संत महापुरश कदी अलोप नहीं हुंदे ओता साड़ियां नजरां विच वसदे ने तन ओ संगत जिन्हां नूं महाराज जी दे चरणां दी छों प्राप्त होई है। अज बाबा जी साडे विच शारीरिक रूप विच भावे ही ना हो पर उन्हां दी होंद संगत हर समय महसूस करती है। अज भी बाबा जी दे अनमोल वचन साडा आसरा हन किसी भी अजीत दरबार की शाखा विच लगे बाबा वडभाग सिंह जी दे निशान साहब हेठां खड़े होके कीती अरदास कदी खाली नहीं जांदी ये सदका संत ब्रह्म ज्ञानी सतगुर बाबा अजीत सिंह जी महाराज जी का है जिन्हां संगतां ने आप जी नाल वक्त बिताया है आप जी पासों भरपूर प्यार पाया है उन्हां नूं इंज महसूस हुंदा है जिवें साक्षात गुरु नानक साहब नाल ही बैठे हैं। आप जी दे चेहरे दा जलाल आप जी दे प्यारे मिठे बोल आप जी दे चरणा दी छां किवें भुला सकते हैं सतगुरु। हे बाबा जी तेरी बड़ी याद आती है तेरी बड़ी याद आती है।
याद तेरी आंदी है ते बड़ा तड़पोंदी Ah.
जीवनी जिन्नी भी गाई जाए जिन्नी भी लिखी जाए वो कट है उन्हां दे कोतक अजीत दरबार दे विच लिखिया किताबा विच मिल जाते पर उते एक छोटी जी झलक है ऐसा जीवन जिन्ना लिखिया जाए वो पूरा नहीं हो सकता। आशा करते हाँ इस छोटे जे समय दे विच जो भी सेवा आप जी दे चरणा विच कर रहे हाँ सो आप परवान करोगे उल्ला माफ करोगे बेनती है महाराज जी पासों और आप संगत पासों होर प्रेरणा मिले ता अगे भी इसी तरह आप जी की सेवा कर दे रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।